नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे आज घाटी की। जम्मू और कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को रोकने के लिए सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेने की बात कही। सरकार अब घाटी के संवेदनशील इलाकों में व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग बंद करने की बात पर चर्चा कर रही है। वहाँ पर वो वीडियो कॉलिंग बंद कर दी जाएंगी। सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इससे पहले हम बताते हैं आपको कि पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरा माजरा क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी पकड़े गए थे, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट से वो वीडियो कॉलिंग के जरिए सारी बातें करते थे और सारी चीज़ें बताते थे, जिसके अनुसार उनको मुहैया कराया जाता था और जिस हिसाब से उन्हें आदेश दिया जाता था उस पर वो काम करते थे। यानी कि घाटी में व्हाट्सएप कॉलिंग या सोशल मीडिया जो है वो आतंकियों के लिए एक बड़ा हथियार बन के सामने आया था, जिसको देखते हुए सरकार ने अब व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग घाटी के संवेदनशील इलाकों में बंद करने की बात कही है। आपको बता दें कि जिस हमले में ये दोनों आतंकी पकड़े गए थे उसमें 7 पुलिस वाले घायल हो गए थे, और जिसके बाद ये दोनों आतंकी पकड़े गए, इन्होंने खुलासा किया और अब सरकार इस पूरे मामले पे एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है और व्हाट्सएप कॉलिंग बंद करने की बात कर रही है घाटी में। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको फेसबुक और यूट्यूब के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।